नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे। आई एम सुजीत कुमार एंड आई टीच यू ट्रिकी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनको प्राचीन कहा जाता है, प्रिमिटिव कहा जाता है, और यूकैरियोटिक को न्यू कहा जाता है, नया कहा जाता है। कैरियोटिक मीन्स होता है केंद्रक, और इनमें अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, और यूकैरियोटिक वे कोशिकाएं रहती हैं जिनके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु कोशिका नीले हरे शैवाल में पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पादप कोशिका शैवाल जंतु कोशिका इन सभी में पाया जाता है। तो यह मुख्य अंतर जो है वह क्या है कि इनके केंद्रक पे केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में उपस्थित होता है। अब यह जो प्रोकैरियोट्स होते हैं असुरक्षित, इनमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं और इसमें सुरक्षित होते हैं, और इसमें जो असुरक्षित अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है, और इसमें जो सुरक्षित पदार्थ होते हैं वह केंद्रक झिल्ली होती है। तो यह अंतर है। अब डीएनए के बारे में, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए दो तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है एक गुणित और दूसरे को कहा जाता है द्विगुणित, यानी एक गुणित या द्विकुंडलित या एक कुंडलित। और इसमें चार प्रोटीन होते हैं, ये चार प्रोटीन एडिनोसिन थायमिन साइटोसिन एंड गुआनिन, यह चार जो है पिरिमिडिन बेस पाए जाते हैं। अब इसमें डीएनए अगर एक गुणित होगा तो उसमें, और द्विगुणित द्विकुंडलित होगा तो उसमें क्या अंतर है? तो इसमें स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, इसमें स्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। इसमें अंतःप्रदर्शी जालिका अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें गॉल्गी बॉडी जो एब्सेंट होता है इसमें प्रेजेंट होता है, और दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका के दूसरे कोशिकांग केंद्रक के बारे में। केंद्रक यह कोशिका के अंदर पाया जाने वाला डेंस स्ट्रक्चर है, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। केंद्रक शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। केंद्रक सबसे पहले आर्किड पादप की जड़ों में खोजा गया था। केंद्रक किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। केंद्रक को कोशिका के दिमाग के नाम से भी जाना जाता है। इंसानों में आरबीसी लाल रेधिक कोशिका को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है, यानी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। पादपों में शायर कोशिका को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। यानी कुल मिलाकर के जिन कोशिकाओं में अगर केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो उन कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा? केंद्रक विहीन कहा जाएगा या बिना दिमाग वाली कोशिकाएं कहा जाए। केंद्रक का अध्ययन करना कैरियोलॉजी कहा जाता है, और केंद्रक के कुल चार भाग होते हैं। केंद्रक झिल्ली जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक झिल्ली का निर्माण लाइपोप्रोटीन से मिलकर होता है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य के द्रव पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर का मतलब केंद्रक और प्लाज्म का मतलब द्रव्य, यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रिका न्यूक्लियोलस। केंद्रिका का रंग बैंगनी होता है, यह कोशिका विभाजन के समय में। और नेक्स्ट है क्रोमेटीन। केंद्रक में स्थित धागे नुमा संरचना को क्रोमेटीन कहा जाता है, और यह क्रोमेटीन फाइबर ही क्या करता है, यह डीएनए कंटेन करता है, यानी उसी पर डीएनए पाया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका यह है, और क्रोमेटीन जो धागे नुमा संरचना होती है। ऐसे अम्ल जो किसी केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं
उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्लों की खोज फ्रेडरिक मेस्टर ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाए जाते हैं, और डीएनए और आरएनए जो है अलग अलग तरह के होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के खोजकर्ता फ्रेडरिक मिस्टर थे। डीएनए का मॉडल वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिया गया था। आरएनए का मॉडल फ्रेडरिक फिशर के द्वारा। बारे में कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनको प्राचीन कहा जाता है, प्रिमिटिव कहा जाता है, और यूकैरियोटिक को न्यू कहा जाता है, नया कहा जाता है। कैरियोटिक मीन्स होता है केंद्रक, और इनमें अंतर क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, और यूकैरियोटिक वे कोशिकाएं रहती हैं जिनके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु कोशिका नीले हरे शैवाल में पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पादप कोशिका शैवाल जंतु कोशिका इन सभी में पाया जाता है। तो यह मुख्य अंतर जो है वह क्या है कि इनके केंद्रक पे केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में उपस्थित होता है। अब यह जो प्रोकैरियोट्स होते हैं असुरक्षित, इनमें आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और इसमें सुरक्षित होते हैं, और इसमें जो असुरक्षित आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनको न्यूक्लियॉइड या जीनोफोर कहा जाता है, और इसमें जो सुरक्षित पदार्थ होते हैं वह केंद्रक झिल्ली होती है। तो यह अंतर है। अब डीएनए के बारे में, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए दो तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है एक गुणित, और दूसरे को कहा जाता है द्विगुणित, यानी एक गुणित या द्विकुंडलित या एक कुंडलित। और इसमें चार प्रोटीन होते हैं, ये चार प्रोटीन एडिनोसिन थायमिन साइटोसिन एंड गुआनिन, यह चार जो है पिरिमिडिन बेस पाए जाते हैं। अब इसमें डीएनए अगर एक गुणित होगा तो उसमें, और द्विगुणित द्विकुंडलित होगा तो उसमें क्या अंतर है। तो इसमें स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, इसमें स्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। इसमें अंतःप्रदर्शी जालिका अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें गॉल्गी बॉडीज एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, और दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं।